ठीक है, तो क्लास पाथ में क्या होता है कि हम लोग जो भी जिप फाइल आर फाइल्स होती हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम लोग लोड करते हैं जब हम लोग को उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जावा इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे पाथ हम लोग सेट कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में हम लोग करते हैं, याद है क्या? यस ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं पाथ। ठीक है, तो जनरली आज के डेट में जो यू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या फिर जो भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका पाथ पहले ही सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, जो भी exe फाइल्स होती हैं या फिर जो जार फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इस जावा फोल्डर्स के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जावा के अंदर हम लोग बिन, ठीक है, JDK के अंदर में बिन मिल जाता है, और बिन के अंदर बहुत सारी EXEs होती हैं। ठीक है, क्या होती है, बहुत सारी EXEs होती हैं। ठीक है, ये सारी EXE फाइल होती है, जावा सी, जावा, ठीक है, सब जार वगैरह सब चीज। तो इस जैसे ये जार है, ठीक है, तो जार क्या करता है कि जितने भी जार फाइल्स होंगी, ठीक है, इस पैकेज के अंदर, JDK के अंदर में, ठीक है, सबको वो क्या करेगा, इंक्लूड कर देता है। जैसे SRC है, SRC के अंदर क्या मिलते हैं, बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, दिख रहा है, ये सारे पैकेज है। ठीक है, पैकेजेस के अंदर में हम लोग को क्या मिलता है, बहुत सारे क्लासेस मिल जाती है जिसके अंदर हम लोग को बहुत सारी जावा फाइल मिलती है। ठीक है, यही है, यही क्या करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, और हम लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जनरली हम लोग जब कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या फिर हम लोग कोई एक्सटर्नल कोई कोड लेके आके हम लोग यहाँ कॉपी कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको इंक्लूड कैसे करना पड़ता है, इंक्लूड कैसे करेंगे उसको, क्लास पाथ से। ठीक है, जैसे कि MySQL कनेक्टर होता है, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं MySQL का डेटाबेस यूज करते हैं। डेटाबेस सभी को पता होगा, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट भी आप लोग बनाए थे, ठीक है, बनाए थे कि नहीं बनाए थे, बनाए थे बनाए थे, ठीक है। पांच कैसे देते थे बताओ गुलशन, सर, जो एक्सेस में बनाए रहते थे सर, ठीक उसको पास सेट करके वीबी से वो करते थे, अटैच करते थे। है। वहां पे क्या रहता था, एक ड्राइवर मिलता था हम लोग को, कौन सा ड्राइवर रहता था वो, कुछ हम लोग को 4.0 करके सेट करते थे ना, क्या था मुझे याद नहीं अभी। ठीक है, MS Access कुछ फोर सर पॉइंट जीरो समथिंग कुछ वहाँ पे ऐड करते थे। ठीक है, तो वो क्या करता था, लोड करता था, वो MDB फाइल को सपोर्ट करता था, तो हम लोग फाइल का पाथ वहाँ पे देते। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे हम लोग को अगर जावा में भी कोई पैकेज बनाना है, ठीक है, मतलब कोई भी एक एप्लीकेशन बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो चीज़ें रहती हैं हमारे पास, एक तो रहती है फ्रंट, ठीक है, फ्रंट एंड होता है, और क्या होता है, बैक एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड तो हमारे पास जावा, ठीक है, ऐसा एज्यूम करो हम लोग जावा ऐसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैक एंड क्या है, MySQL है। ठीक है, अब MySQL जो है वो हम लोग सिस्टम में तो इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन उसको जावा के साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ एक माई SQL कनेक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ड्राइवर है जो इस माई SQL को जो है फ्रंट एंड से जोड़ता है। ठीक है, माई SQL कनेक्टर होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ माई SQL कनेक्टर। ठीक है, MySQL कनेक्टर जो होता है, एक जार फाइल होती है जनरली,
ठीक है, जार फाइल को क्या, ठीक है, और इस जार फाइल को हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जेक्टर से सब, ठीक है, यहाँ से हम लोग जावा ले डाउनलोड करेंगे जेडीबीसी वाला कनेक्टर जे बोलते हैं इसको, और हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। मुश्किल से 30-40 एमबी का रहता है ये, ठीक है, या फिर उससे भी कम होगा। ठीक है, यहाँ से वर्जन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, विंडोज नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, बहुत कम रहता है ये, बहुत छोटा सा रहता है इंस्टॉलर, या फिर हम लोग जार फाइल भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वेब कम्युनिटी या फिर ऑफलाइन, ठीक है, यहाँ से लॉग इन कर लो इसको और डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो एक जार फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है, तो जार फाइल जैसे ही हम लोग डाउनलोड करेंगे तो इस जार फाइल को वो कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे एक प्लगइन्स करके फोल्डर बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, या फिर हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, और उसका पाथ वहां पे देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, जैसे मैंने जेडीके के अंदर डाल दिया जार फाइल को, ठीक है, यहाँ पे और भी जार फाइल अवेलेबल है, जावा एफएक्स अवेलेबल है, एसआरसी भी अवेलेबल है, उसको भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है, और बस वहां पे हम लोग को पाथ सेट करना होता है। कहाँ पे पाथ सेट करना होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, दिस पीसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ एक नया वेरिएबल हम लोग को क्रिएट करना होता है, ठीक है, यहाँ पे न्यू करके हम लोग को क्रिएट करना होता है, यहाँ पे लिख देंगे क्लास पाथ, ऐसा। अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी क्रिएट कर दूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ डालना पड़ जाएगा, ठीक है, जब तक वैल्यू नहीं डालूंगा तब तक मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ ऐसे जार फाइल्स हैं नहीं जिसको मैं वहाँ डालूँ, ठीक है। तो अब वो जार फाइल को हम लोग जब भी कोई भी जावा एप्लीकेशन बनाएंगे तो उस जार फाइल को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया इतना, यस सर, ठीक है। तो क्लास पाथ जनरली हम लोग किसके लिए सेट करते हैं, जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल क्लास को लोड करना चाहते हैं अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाए तो उसकी एक डायरेक्टरी होती है, मीन्स हम लोग एक ऐसा फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर सारी फाइल्स हम लोग सेव करते हैं, होता है ना सर, ऐसा तो नहीं रखते कोई ई ड्राइव में फेंक के रखे हैं, कोई डी ड्राइव में फेंक के रखे, कोई सी ड्राइव में फेंक के रखे, कोई पेन ड्राइव में रख लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम लोग एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाते हैं, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरी फाइल्स को रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें जो भी हमारा लोकेशन है फोल्डर का, ठीक है, उसमें कुछ क्लास फाइल्स अवेलेबल है जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस फाइल का पाथ बस दे देंगे वहां पे, ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग जब भी कोई नोटपैड को यूज करके हम लोग अगर बनाते हैं तभी हम लोग इस टाइप का क्लास पाथ सेट करते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखो वेरिएबल नेम बना लेते हैं क्लास पाथ, और यहाँ MySQL कनेक्टर जो है हम लोग उसको दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्लास पाथ को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई आईडी यूज कर रहे हैं जैसे कि एक्लिप्स हो गया, ठीक है, नेटबीन, तो हम लोग को जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें पहले से सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, ठीक है, जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको फेच करेगा, ऑटोमेटिकली क्लास पाथ उसका सेट कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लास पाथ है, और क्लास पाथ जो है एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हम लोग को थर्ड पार्टी इंस्टॉल करनी होती है, ठीक है, जैसे आज के जमाने में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारे कोड्स पहले से मिल जाते हैं, जैसे कि एनिमेशंस के लिए आते हैं, जैसे कैलेंडर प्लगइन है, ठीक है, कहीं कभी कभी हम लोग को क्या करना होता है कि कैलेंडर कहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, कहीं कहीं से डेट फेच करना है, कुछ डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग को कैलेंडर लगाना पड़ता है, तो कैलेंडर लगाना थोड़ा इजी नहीं है क्योंकि कैलेंडर लगाने के लिए थोड़ी कोडिंग करनी पड़ती है उस कैलेंडर को फेच करने के लिए, तो उसके लिए भी एक जार फाइल्स आती है, मतलब प्लगइन आता है छोटा सा, कैलेंडर प्लगइन बोलते हैं उसको, प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जो भी आईडी हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं, मान के चलो नेटफ्लिक्स, सॉरी नेटबीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं,
NetBeans यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग Eclipse यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये सब IDE है, ठीक है। तो यहाँ पे plugins इंस्टॉल होते हैं, बहुत सारे plugins आते हैं मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, फ्रीली भी मिलते हैं, पेड वाले भी मिल जाते हैं, बहुत सारे plugins मिलते हैं, ठीक है। एनिमेशन के लिए प्लगइन मिलता है, यूआई के लिए प्लगइन मिलता है, डेटाबेस के लिए प्लगइन मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो ये सारे प्लगइन्स जो है एक्सटर्नल हम लोग को कुछ क्लास फाइल अवेलेबल कराते हैं, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसका क्लास पाथ सेट करना होता है, ठीक है। ये सारे क्लास पाथ करते हैं जब हम लोग कोई भी आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल नोटपैड को यूज़ करके कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ नोटपैड को यूज करके कोई कोडिंग करता ही नहीं है आज के जमाने में, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ठीक है। NetBeans आईडी जो है वो बहुत अच्छा आईडी है, ठीक है, इमेजेस वगैरह में देख सकते हो उसका, ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती है, बटन वटन सब बना सकते हो उसमें। एक बार इसको डाउनलोड करना, ठीक है, और एक बार इसको चला के देखना, ठीक है, मेरे पास है नहीं अभी इंस्टॉल होता तो मैं इसमें बताता, ठीक है। Eclipse ही है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर GUI बेस्ड हम लोग को काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखो इसके प्लगइन्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, प्लगइन्स में देखोगे तो बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबलाइम थीम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल जाती हैं यहाँ पे, तो हम लोग को अपने अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। NetBeans और Eclipse, ठीक है, ठीक है। Eclipse के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं इसके, ठीक है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे देखो Eclipse IDE for Java Developers, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो Eclipse IDE for Java Developers, Java के लिए अगर हम लोग को पर्टिकुलर चाहिए तो ये वाला डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। Enterprise Java Developers के लिए ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। C++ C के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। PHP के लिए भी आता है Eclipse IDE for Web and JavaScript, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम लोग को Eclipse मिल जाता है, ठीक है। तो Eclipse एक लूनार होता है या फिर कुछ होता है, बहुत अच्छा है वो वाला, ठीक है। तो इसको भी डाउनलोड कर लो यहाँ से और इसको इंस्टॉल करके चला सकते हो, ठीक है। चलो इसको कर ही लेते हैं डाउनलोड और देखते हैं न्यू वर्जन इसका कैसा है, ठीक है। 102 MB का है सर। NetBeans का, हाँ NetBeans को भी डाउनलोड कर लो, NetBeans थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड जाओ, फ्री रहते हैं, कोई पैसा से नहीं लगता है, फ्रीली अवेलेबल होते हैं ये सारे जो है, ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्रीवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। आप अच्छे NetBeans डाउनलोड कर लो, ठीक है, ओल्डर वर्जन चाहिए ओल्डर वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नेट पर स्लो चल रहा है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करके रखूँगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ताकि न्यू चीज़ें भी हम लोग को पता रहे,
ठीक है, समझ में आया क्या इतना?